झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सरकार बनना लगभग तय है। हमारे साथ हेमंत सोरेन है, जो कि हेमंत सोरेन आप अगले मुख्यमंत्री झारखंड के होंगे, ये बिल्कुल तय हो गया। अब ये सभी चीजें जब तक सभी पायदान पर नहीं पहुंचा जाए, अभी इसको थोड़े दिन रहने दीजिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस के मन में कुछ संशय है क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को? संशय की बात है, किसके मन में क्या है ये तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये स्पष्ट है जो हमें आश्वासन मिला है कि सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस का समर्थन रहेगा। आप कब राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? आपने सुना भी होगा कि आरजेडी की तरफ से भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी अपनी घोषणाएं में की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन करेंगे। अब ऐसे ही धीरे धीरे आगे चल के बाकी और भी साथियों की आवश्यकता है। इस पर जब तक पूरे आंकड़े पूरे नहीं होंगे हम लोग दावा पेश करने नहीं जा रहे। इस सरकार बनाने को लेकर बहुत सारी जो लोगों के या आप सभी पत्रकार साथियों के मन में सवाल खड़ा होता है उन सबको जवाब देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। यानी कि बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन के सामने कि कांग्रेस जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ये सरकार कैसे चलेगी और कैसे चलाना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के ऊपर है।